कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेस शटल को देखते हैं जो आउटर स्पेस से हमारी पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रात के अंधेरे में वह धरती से टकराता है और सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक सुबह हम तालाब से एक आदमी को निकलते हुए देखते हैं, जिसके बदन पर एक कपड़ा नहीं है। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन उस आदमी की आंखों में शर्म हया का कोई भाव नहीं झलकता। आखिर झलकता भी कैसे, जब वह इस दुनिया का था ही नहीं। कुछ सालों बाद हम चोई मानगिल और उसकी पत्नी सोही से मिलते हैं, जो एक परफेक्ट कपल का जीवन जी रहे हैं। चोई मानगिल एक समर्पित पति है। वह अपने काम से थके होने के बावजूद हर सुबह सोही के लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है। वह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। एक दिन सोही और उसकी दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। वहाँ उसकी एक दोस्त यांगसू, जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, सोही से यह सुनकर जलती है कि सोही एक अमीर व्यक्ति के साथ शादीशुदा है। वह मजाक में कहती है कि अमीर लोग अक्सर अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं। इस बात को सोही हल्के में लेती है, लेकिन अंदर से उसे ये बात छू जाती है। पर वह यह नहीं दिखाती और अपने पति की तारीफ करती है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। उनकी बातचीत के बीच उनकी एक अन्य दोस्त एक चर्चा शुरू करती है, जिसमें सरा नाम की एक लड़की का जिक्र होता है। उसके बारे में अफवाहें फैली हुई हैं कि उसने अपने पति का मर्डर कर दिया और उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया ताकि वह एक चाइनीज आदमी के साथ भाग सके। हालांकि ये सब महज अफवाहें थी। जैसे ही पार्टी खत्म होती है, सोही घर लौटती है और देखती है कि चोई सो रहा है। चोई खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति मेहनत कर रहा है और कभी उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन तभी उसकी नज़र चोई के फोन पर एक अनजान कॉल पर जाती है। आमतौर पर वह चोई के पर्सनल कॉल्स का जवाब नहीं देती, लेकिन इस बार वह फोन उठाती है और उसे एक लड़की का मैसेज मिलता है जो गुस्से में है क्योंकि चोई उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। उस लड़की ने यह भी लिखा है कि वह शुक्रवार को उससे मिलना चाहती है। सोही का दिल धड़कने लगता है और वह रात भर सो नहीं पाती। उसके मन में बस यही ख्याल चलता रहता है कि क्या सच में चोई उसे धोखा दे रहा है। सुबह उठने पर उसका मन भारी होता है। वह चोई से कहती है, क्या हम शुक्रवार को कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं? लेकिन चोई झूठ बोलता है कि उसका एक दोस्त अस्पताल में भर्ती है और शुक्रवार को एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए वह नहीं जा सकता। सोही अब श्योर हो जाती है कि चोई उसे कुछ छिपा रहा है। वह इंटरनेट पर पति के धोखा देने वाले मामलों के बारे में जानकारी खोजना शुरू करती है। उसे एक डॉक्टर मिलता है जो ऐसे मामलों में स्पेशलिस्ट है और दावा करता है कि वह टूटे हुए रिश्तों को ठीक कर सकता है। सोही उस डॉक्टर की सलाह पर विचार करती है। वह पहली बार इस तरह की जगह पर जाकर थोड़ी संकोच में थी, लेकिन डॉक्टर जांग, जिसे लोग ब्रोकली के नाम से भी जानते हैं, उसकी चिंता को समझता है। ब्रोकली ने कहा, मेरे 50% ग्राहक यहाँ अपने धोखेबाज पतियों के कारण आते हैं। सोही ने पूछा, बाकी 50%? जिस पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धोखेबाज पत्नियों के लिए, क्योंकि महिलाएं भी धोखा देती हैं। सोही को यह जानकर झटका लगता है कि दुनिया में इतने सारे लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। जांग कहता है कि वह इस केस की जांच करेगा और पता लगाएगा कि क्या चोई सच में धोखा दे रहा है। इस दिन से जांग ने चोई का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि चोई लोगों के सामने सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो वह कुछ अजीब और असामान्य करता है। डॉक्टर जांग ने एक दिन देखा कि चोई ने 40 से भी अधिक बोतलें शराब पी ली और फिर भी वह होश में था, जो एक सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं था। इसके बाद चोई एक स्पेशल क्लब में जाता है जहाँ केवल सदस्यों को ही अनुमति होती है। उसने देखा कि चोई एक लड़की के साथ क्लब से बाहर निकला और उसे एक होटल में ले गया। हालांकि डॉक्टर को यह नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन इसके बाद चोई ने जिम में 2 घंटे तक बिना एक भी सेकंड आराम किए एक्सरसाइज किया। यह भी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं था। वहाँ उसने एक लड़की से मुलाकात की, जिसने उसे इशारा किया। फिर चोई ने उस लड़की को भी अपनी कार में बैठाया ताकि वे एकांत में मिल सके। यह सब कुछ चोई के घर से निकलने के 12 घंटों के अंदर हुआ। जांग ने देखा कि रात को 1 बजे चोई ने और भी लड़कियों से मुलाकात की और कुल मिलाकर वह उस दिन 23 अलग अलग लड़कियों से मिला। सभी लड़कियां बहुत यंग थीं, जिससे स्पष्ट होता है कि चोई को यंग लड़कियों में दिलचस्पी है। यह सब सुनकर सोही का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पति के इतने सारे अफेयर होंगे, पर यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने कहा, उस रात चोई एक पेट्रोल पंप पर भी गया था और वहाँ उसने कुछ बेहद अजीब और संदिग्ध किया। डॉक्टर ने कहा, जब कोई उसे देख नहीं रहा था तब उसने वहाँ 25 लीटर पेट्रोल पिया। सोही को अब लगने लगा कि डॉक्टर जो भी कह रहा है वह सच है, लेकिन डॉक्टर जांग ने उसे और भी चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा, आप चोई की पहली पत्नी नहीं है। उसने सोही को चोई की पिछली 3 शादियों के मैरिज सर्टिफिकेट दिखाए। अब सोही को यकीन होने लगा कि उसका पति वास्तव में धोखा दे रहा है और वह अपनी असली पहचान छुपा रहा है। रात में सोही अपने पति की जान लेने वाली थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वह उससे अभी भी प्यार करती थी। वह सोच में पड़ी रहती है कि क्या उसका शक सही है या नहीं।
ऐसे में वह अपनी दोस्त सैरा के पास जाती है। सैरा वही लड़की है जिस पर अफवाह थी कि उसने अपने पति को मार डाला। सोही सैरा को अपने मन की बात बताती है कि वह भी अपने पति को मारना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि चोए ने उसे धोखा दिया है। जिस पर सैरा कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। डॉक्टर जांग का कहना है कि जो कुछ चोई कर रहा है वह एक आम इंसान के लिए असंभव है। उसने बताया कि चोई के एलियन होने की संभावना बहुत ज्यादा है और ये पहली बार नहीं है कि उसे इस तरह का मामला मिला है। जांग बताता है कि उसके अन्य मरीज भी कुछ दिनों बाद अचानक गायब हो गए या मरे हुए पाए गए और यह सब तब हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके पति उन्हें धोखा दे रहे थे। इसी बीच चोई घर लौटता है लेकिन सोई घर पर नहीं होती। वह एक खास तरह का सीरम पानी में मिलाता है जो देखने में सामान्य नहीं लगता। हमें पता चलता है कि सरकार को एलियंस के बारे में जानकारी है और वे उन्हें पकड़ने और बंदी बनाने की योजना बना रहे हैं। जांग बताते हैं कि ये एलियंस पृथ्वी पर इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी अपनी दुनिया में संसाधन खत्म हो रहे हैं। वे इंसानों के बीच घुल मिल जाते हैं और अपनी असली पहचान छुपाते हैं। उनका मकसद है इंसानों के डीएनए को एनालाइज करके एक घातक वायरस फैलाना। सोही को धीरे धीरे जांग की बातों पर यकीन होने लगता है लेकिन वह सच को अपनी आंखों से देखना चाहती है। एक रात जांग और सोही चोई का पीछा करते हैं और देखते हैं कि चोई सचमुच पेट्रोल पी रहा है। जब चोई घर लौटता है सोही पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। गलती से वह वही पानी पी लेती है जिसमें चोई ने सीरम मिलाया था। सोही दम घुटने से मरने लगती है लेकिन चोई उसकी मदद नहीं करता। वह उसे मरते हुए देखता रहता है और फिर अपने दोस्तों को बुलाकर मर्डर के सबूत साफ करने के लिए कहता है। अस्पताल में वह दिखावा करता है कि वह गहरे शोक में है। सैरा सोही को देखने आती है लेकिन उसकी लाश देखकर वह चौंक जाती है। उसे लगता है कि चोई ने सोही की हत्या की है और वह उसे लड़ने लगती है। इसी बीच सोही अचानक से जाग उठती है और चोई यह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वह अंदर ही अंदर गुस्से में होता है लेकिन अपनी असली भावनाएं नहीं दिखाता। चोई अपने दोस्त से मिलता है और बताता है कि सोही मरी नहीं है। यह बहुत रेयर केस था लेकिन संभव है कि वह जहर के प्रति इम्यून हो। इस बार वह उसे खास तरह का जहर देता है जिसकी वजह से सोही का मरना पक्का है। इसी बीच सरकार के कुछ अधिकारी चोई की तस्वीरें खींचते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि वह एक एलियन है और उसे पकड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर जांग को एलियंस की कमजोरी का पता चलता है जो था हाई वोल्टेज करंट। वह प्लान बनाते हैं कि वह चोई को मारने के लिए बिजली का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बाथटब में एक हाई वोल्टेज तार फिट किया जो एक लाइटर से जुड़ा हुआ था। प्लान था कि सोही चोई को बाथटब में बुलाएगी और फिर उसे बिजली के झटके से मार दिया जाएगा। प्लान की रिहर्सल के दौरान अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सोही को लगता है कि यह चोई है लेकिन दरवाजे पर उसकी दोस्त यांगसुन होती है जिसके हाथ में बंदूक थी। यांगसुन यहाँ डॉक्टर जांग को मारने आई थी क्योंकि उसे पता चला था कि जांग उसे धोखा दे रहा है। हाँ आपने सही सुना, एक डॉक्टर जो लोगों को धोखा देने से बचने की सलाह देता है वो खुद एक धोखेबाज निकला। डॉक्टर जांग खुद को यांगसुन से छुपाने की कोशिश करता है और सोही किसी तरह यांगसुन को शांत करती है ताकि वह किसी को मार ना दे। यांगसुन सिगरेट पीने के लिए लाइटर उठाती है जो बाथटब से जुड़ा हुआ था जिसमें डॉक्टर जांग छुपा हुआ है। जैसे ही वह लाइटर जलाती है डॉक्टर जांग को जोरदार बिजली का झटका लगता है और उसकी मौत हो जाती है। सोही यांगसुन को समझाने की कोशिश करती है कि डॉक्टर जांग उसकी मदद करने आया था लेकिन यांगसुन का गुस्सा और जलन एक अनजान हादसे में बदल जाती है। इसी बीच चोई कॉल करता है और बताता है कि वह घर पहुंचने वाला है। ये सुनकर वे सारे सबूत बंदूक और अन्य संदिग्ध चीजों को छिपाने में लग जाती हैं और डॉक्टर की लाश को अलमारी में छिपा देती हैं। जब चोई घर आता है तो सोही उसका स्वागत एक मुस्कुराहट के साथ करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोही उसे जबरदस्ती नहाने के लिए कहती है। उसका असल प्लान है कि बाथरूम में उसे करंट देकर मार डालें। जब चोई बाथरूम में नहा रहा होता है तो सोही बिजली का बटन दबाती है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चोई बच जाता है। चोई जब बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है कि सोही के दोस्त भी उसके घर में हैं। वे झूठ बोलते हैं कि वे उसका जन्मदिन मनाने आई हैं ताकि चोई को उन पर शक ना हो। सभी मिलकर चोई का जन्मदिन मनाते हैं। इसी बीच चोई का स्मार्ट होम सिस्टम उसे बताता है कि अलमारी में कुछ अजीब है लेकिन इससे पहले कि स्मार्ट असिस्टेंट बता सके कि वहाँ एक लाश है सोही उसे बंद कर देती है। वे चोई के ड्रिंक में जहर मिलाते हैं लेकिन चोई पर कोई असर नहीं होता। उल्टा उसे ये वाइन इतना स्वादिष्ट लगता है कि वह उसकी पूरी बोतल पी जाता है। सब झूठी मुस्कान के साथ खुश होने का नाटक करते हैं लेकिन असल में वे अंदर से डरे हुए होते हैं। इसी बीच चोई को किसी का फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वह तब हैरान होता है जब देखता है कि सभी के फोन टेबल पर हैं, फिर भी एक फोन बज रहा है। वह उस आवाज का पीछा करता है और अलमारी के पास पहुंच जाता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो यांगसुन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन चोई दरवाजा खोल ही देता है। वहाँ लटकते हुए डॉक्टर जांग की लाश होती है।
सोही झूठ बोलती कि वह एक चोर था, लेकिन तभी डॉक्टर जांग अचानक अपनी आँख खोलता है। ये देखकर चोही घबरा जाता है और बिना सोचे समझे गोल्फ क्लब से डॉक्टर जांग के सिर पर वार करता है। अब चोही इस बात को लेकर परेशान है कि उसने एक इंसान को मार डाला और उसके चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन सैरा उसे समझाती है कि यह सब गलती से हुआ है और वे मिलकर उसकी लाश को दफना देंगे। चोही लाश को अपने कंधे पर उठाता है और जैसे ही वे निकलने लगते हैं, चोही के कुछ दोस्त घर पर आ जाते हैं। ये दरअसल चोही के एलियन दोस्त होते हैं जो सोही को उसी रात मारने के लिए आए थे। चोही अपने दोस्तों से कहता है कि वह उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह इंतजार करें क्योंकि वह अपने शराबी दोस्त को घर छोड़ने जा रहा है। वे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। चोही एक गहरी कब्र खोदता है और जैसे ही वह उन्हें खुद को ऊपर खींचने के लिए कहता है, सोही उसे बैट से मारती है और चोही बेहोश हो जाता है। वे डॉक्टर जांग के साथ उसे भी कब्र में दफना देते हैं। वे सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। चोही मरा नहीं था और उसका सिर फिर से गड्ढे से बाहर आ जाता है और अब उनके पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वे अपनी कार में भागते हैं, लेकिन चोही अपनी सुपर स्पीड के साथ उनका पीछा करता है। सैरा अपनी कार को एक गहरी खाई की तरफ ले जाती है और एक जोरदार टक्कर के साथ चोही खाई में गिर जाता है। वे उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गायब हो गया था। खाई बहुत गहरी थी और नुकीले पत्थरों से भरी हुई थी, जिससे यह लगता है कि चोही मर चुका है। हालांकि उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। चोही के सभी दोस्त जिन्होंने जहर मिला हुआ शराब पी थी बेहोश हो गए हैं और अब उन्हें भी दफनाने की जरूरत है। वे एक सुनसान जगह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी सैरा देखती है कि सामने एक पुलिस चौकी है। पुलिस अधिकारी सैरा से उसकी आईडी मांगते हैं और पाते हैं कि वह शराब के नशे में है। वे सैरा का लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं और उन्हें कस्टडी में रखा जाता है। सोही पुलिस अधिकारी को बताती है कि कार में बैठे लोग उसके पति के दोस्त हैं, लेकिन पुलिस खुद उनसे बात करना चाहती थी। सैरा डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि वह जानती थी कि वे सभी मर चुके हैं। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है, वे सभी लोग अचानक जिंदा हो जाते हैं। इसी दौरान एक आदमी पुलिस स्टेशन में एंट्री करता है और वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जांग होता है, जिसे उन्होंने उस रात जिंदा दफन कर दिया था। लेकिन किसी तरह चोही द्वारा खोदी गई कब्र के छेद से निकलकर वह जिंदा बाहर आ गया। यांग सू उसे जिंदा देखकर खुशी से रोने लगती है, लेकिन डॉक्टर जांग चोट की वजह से वहां किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम चोही को देखते हैं, वह गहरी खाई में गिरने के बाद भी जिंदा था। उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, इसलिए वह बहुत सारा पेट्रोल पीता है। जब वह पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ वो अपनी पत्नी सोही और उसके दोस्तों को देखता है। फॉर्चुनेटली चोही भी भूल चुका था कि सोही ने ही उसे खाई में फेंका था। उसे केवल वही हिस्सा याद था जब वह कब्र खोद रहा था। पुलिस उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देती है कि वे भविष्य में शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। चोही उन सभी को घर ले जाता है। सोही एक झूठी कहानी करती है कि जब वह कब्र खोद रहा था तो वह जंगल में चला गया और वापस नहीं आया। चोही उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन वो एक एलियन था। उसकी याददाश्त जल्द ही वापस आ जाती है और उसे साफ साफ याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। चोही सभी को कार में बंद कर देता है और उन्हें एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है। उसकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वे सभी एक बड़े पुल से नीचे गिर जाते हैं। सौभाग्य से सोही और उसकी दोस्त इस दुर्घटना में बच जाती हैं, लेकिन वे अभी भी खतरे में हैं। चोही उनका पीछा करता है, वह सभी सबूतों को मिटाना चाहता था। चोही उन्हें एक फैक्ट्री तक खदेड़ता है, लेकिन किसी तरह सैरा मेन गेट को बंद कर देती है। दूसरी ओर सरकारी अधिकारी चोही का पीछा कर रहे थे और अब उसे पकड़ने के लिए पूरी योजना के साथ वहां पहुंचे थे। सोही और उसकी दोस्त चोही से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमें यहां चोही का असली चेहरा दिखाई देता है। वह इंसान की खाल में एक शैतान था। वो सोही से कहता है, तू मर जाती तो सब कुछ आसान हो जाता। इसके बाद वह उसका गला दबाने लगता है। वह लगभग मरने वाली थी, तभी चोही के चेहरे पर एक रोशनी पड़ती है और वह देखता है कि उसे चारों ओर से घेर लिया गया था। चोही गुस्से में आ जाता है जब वह देखता है कि उसके कुछ साथी अब सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अब ये लड़ाई बराबरी की थी। ऑफिसर चोही पर हमला करते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। किसी तरह वे उस पर काबू कर लेते हैं, लेकिन जल्दी वह उन सभी पर हावी हो जाता है। इसी बीच सोही अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वे जाने वाली थी, उन्हें डॉक्टर जांग मिलता है, जिसने अपनी याददाश्त तो खो दी थी, लेकिन उसके पास एक सीरम था जिसके बारे में उसने दावा किया था कि यह चोही को मारने का आखिरी मौका है। सोही चुपके से चोही पर पीछे से हमला करती है और उसे सीरम का इंजेक्शन लगा देती है। चोही उसे दूर फेंकता है और उसे मारने ही वाला था कि सीरम अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। चोही पीड़ा में झुक जाता है और अंत में मर जाता है। कुछ दिनों बाद हमें सोही और उसके दोस्तों को एक नई जिंदगी का जश्न मनाते हुए दिखाया जाता है। वे खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन यांग सुन अचानक डॉक्टर जांग को देखती है। उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और उसे सब कुछ याद था। उसने कभी यांग सुन को धोखा नहीं दिया था। यांग सुन उसे गले लगा लेती है और अब सब खुश थे।
ये एक हैप्पी एंडिंग की तरह लग रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। हमें सोही को दिखाया जाता है जो अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाती है। वह इधर उधर संदिग्ध नजरों से देखती है, फिर एक हाथ में नोजल पकड़कर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो दूसरों से छिपा हुआ है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।